पूनम दास सर, यहाँ पर मेरा बेबी हुआ मुसली मैम ने किया और डॉक्टर बच्चे को देख रहे हैं रजिस्ट्री मैम। और इधर पे हम लोग 12th को आए थे, 12th दिसंबर को, सो देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू व्हिच वी कम हियर एंड प्रीमैच्योर बेबी डिलीवरी हुआ। उसके बाद एनआईसीयू में थी काफी दिन तक, देन मल्टीपल एपनिया आ रहे थे, देन बेबी का एनआईवी में पहले तो वेंटिलेटर में थे, वेंटी से निकलने के बाद फिर एनआईवी, फिर उसके बाद नॉर्मल वेंटिलेटर, देन आरटी लगा हुआ था फॉर फीडिंग एंड ऑल, देन आरटी निकाला गया एंड ड्यू टू द केयर ऑफ हॉस्पिटल, जितने स्टाफ है हॉस्पिटल के, और ऑब्वियसली शी इज द मोस्ट नंबर वन हु हैव टेकन केयर अटमोस्ट, एंड देन 13th को डिलीवरी हुआ और आज 1st of February है एंड हम लोग अभी डिस्चार्ज करके ले जा पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी रिकवरी हुआ है। और मैं सबको रिकमेंड भी करूँगा कि केयर और ट्रीटमेंट के मामले में ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ इधर पे, टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली डॉक्टर विजिट एंड ऑल द आरएमओ वाज देयर 24 आवर, एंड उसके साथ साथ डॉक्टर भूषाली पिल्लई ने डिलीवरी किया एंड उनके साथ और मल्टीपल डॉक्टर्स थे और डॉक्टर राजेश्वरी मैडम ने बेबी को इतना दिन उनके अंडर ट्रीटमेंट में थे वो, तो अभी ऑलमोस्ट कल 9 month हो जाएगा एक्चुअली, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेट थम्स अप फॉर दिस हॉस्पिटल।